नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्रुति। आप देख रहे हैं मारुंडा टीवी। अब आज जिम के खिलाफ खबर को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। यमुना नदी के भीड़ में क्रांतिकारी परिवार के दो लोगों ने आपसी भेंट कर अपने शहीद पूर्वजों के इतिहास को पुनः यादगार बनाने की मनाई योजना। जी हाँ, यमुना नदी के भीड़ में बने जलकनगिरी महाराज के स्थान पर श्रृंगी ऋषि व भरे राज्य के बसंत सत्येंद्र सेंगर संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चौधरी मंगल दुबे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य भ्रष्टाचार शिकायत अभियान दोनों लोगों ने अपने पूर्वजों की क्रांतिकारी जीवन एवं उनके बलिदान को पुनः याद कर एवं ऐतिहासिक बनाने की विस्तार पूर्वक रणनीति बनाई गई। और क्या कुछ तैयारी हुई महाराज जी, आपने इस स्थान पर बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या समझा, क्या कारण रहा है? हमें आपको यहाँ पर एक सूक्ष्म बैठक हुई है, क्या क्या जी प्लानिंग रही आपकी? प्लानिंग ये रही कि एक्चुअली जो हमारे आपके पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, उसको ओपन करने के लिए, उठाने के लिए आपने भी इस कार्य को किया है। जो मोहारी में इतना बड़ा संग्राम हुआ, इतनी बड़ी क्रांति हुई देश की 1858 में, आपकी 7 फरवरी 1858 में बहुत बड़ी क्रांति हुई, और इसमें जो है कुर्बान आपके मोहारी में अर्जन सिंह मास्टर साहब रहे, और कितनी संख्या थी उन लोगों की। जंट सिंह मास्टर के यहाँ पर जो बाघ है आज मौजूदा, हाँ। जंट सिंह मास्टर आज भी है उनके बाघ में। उन्होंने जानकारी दी, ये बात सही है कि सरकारें जब से देश आज़ाद हुआ तब से कई सरकारें आईं और कई चली गईं। जितनी भी सरकारें अभी तक बनी हैं, सभी सरकारें धार्मिक नाम पर और समाज सेवा के नाम पर चोला ओढ़े रहते हैं, लेकिन जो हमारे देश के क्रांतिकारी वीर, इनके इतिहास को हमेशा दबाया जाता रहा है। सत्य बात है आपकी, तो बिल्कुल सत्य बात। इस महान कार्य के लिए आपने हमें ही क्यों चुना, और इस बियाबान जंगल में बुलाने का उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य यही था कि यहाँ बैठ करके हम लोग शांति में अपने एकाग्रचित होकर के जो हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उस शहादत के संबंध में हम लोग उनको स्मरण करें, और इस कार्य को ओपन करने के लिए, सरकार के लिए ओपन करने के लिए हम लोग आगे आए। तो इस संबंध में 6 जुलाई को भी हमारे पूर्वजों ने यहाँ 1858 में चौधरी प्रीतम सिंह ब्रिटिश विद्रोही रियासत बिलावा स्टेट, उन्होंने और प्लस कुंवर रूप सिंह भरी स्टेट ब्रिटिश विद्रोही रियासत भरी स्टेट, उन्होंने दोनों ने आक्रमण किया 6 जुलाई को। पहला युद्ध हुआ जीतमन में, दूसरा युद्ध 8 जुलाई 1858 को हुआ, तीसरा युद्ध 21 अप्रैल 1858 को हुआ। तो ये इतिहास और प्लस मोहारी का इतिहास, ये दोनों इतिहास अभी तक दबाए गए थे। इनको हम ये चाहते हैं आगे जनहित में हम ये ध्यान रखते हुए हमारी युवा पीढ़ी को जानकारी हो, जो अभी तक जानकारी नहीं थी, और हमारी सरकारें इस के तरफ से हमेशा जो है अनदेखी करती रहीं, कभी भी इस इतिहास को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, और बल्कि कई नेताओं से कहा तो उन्होंने असहमत भी जाहिर की इस इतिहास के संबंध में। तो हमें आपसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप भी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी पूर्वजों की कुर्बानी। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, क्योंकि मुझे भी, मेरी अंतरात्मा ने भी ये कहा जी कि जिन पूर्वजों ने हमारे और हमारे समाज के लिए शहादत दी है जी, तो कहीं ना कहीं उनके शहादत को ऐतिहासिक बनाना हमारा फर्ज और कर्म भी है। बिल्कुल सत्य। रही बात शासन और प्रशासन की, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं शासन और प्रशासन को जी, आम जनता को मैं बताना चाहूँगा कि मांगते तो लोग भीख हैं जी, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर और इतिहास के लिए अगर हमें कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ा, इसके लिए हमें विद्रोह भी करना पड़ा, तो हम उन्हीं क्रांतिकारी परिवार के वंशज हैं, सही है, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ खदेड़ कर 1,000 बार मारा। इसी प्रकार से उनकी शहादत को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए हम एड़ी से लेकर के चोटी तक पूरा प्रयास करेंगे। हम आपके साथ में हमेशा बहुत बहुत हमेशा रहेंगे, और उस समय हमारे आपके पूर्वजों ने एक प्रजातंत्र स्थाई स्थापना और न्याय सुरक्षा सेना का गठन किया था, उसी सेना को पुनर्जीवित हम और आप मिलकर के कर रहे हैं, बिल्कुल, और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसी पर हमारा जो है धन्यवाद। जैसी पूरी ये देखो भैया का नाम है रोटी वाले अमन सिंह, और आज हम सिकरोड़ी रोड पर
जो जलकंद बाबा के स्थान पर महाराज जी देखो हमारे ये हैं, महाराज जी का स्नेह और प्रेम यहाँ पर खींच के लाया है और मुझे भोजन भी देखो पड़ोस के रखा है। ये हमारे चौधरी साहब बैठे अजीत मल वाले, चौधरी मंगल सिंह प्रदेश अध्यक्ष भ्रष्टाचार है ना। तो यहाँ पर आज बहुत विस्तार से बात हुई है और यहाँ पर हम सब लोग देश और समाज के हित के लिए यहाँ पर एक बहुत सूक्ष्म गोष्ठी की है। ये हमारे जलकंद महाराज जी का भव्य स्थान है और मैं अपने महाराज जी से जानकारी लूँगा ये जलकंद महाराज का नाम कैसे और कहाँ से पड़ा है।